that topic with electrolysis and electrolyte. But कल तक के टॉपिक में हमने electrolysis का phenomenon, electrolytic cell और electrolysis में products की amount बन रही है, उस amount को govern करने वाले दो rules, Faraday's first law and Faraday's second law, ये दोनों चीजें हमने discuss की थी. आज हम कुछ और parameters of electrolytic cells की बात करेंगे, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना मिले. तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस, राइट? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस. अब जैसे ही मैंने बोला कि रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के फ्लो में जो हिंड्रेंसेस क्रिएट हो रही हैं, उनको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं. तो इसका मतलब हम कंडक्टर्स को बच्चों दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. वी कुड क्लासिफाई कंडक्टर्स एज मेटालिक कंडक्टर्स, जो बच्चों आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, वायर के थ्रू आपने कंडक्शन करवाई, मेटालिक कंडक्टर्स, एंड बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. Yes, metallic conductors and electrolytic conductors. Under metallic conductors, bachon, charge carriers are electrons. मतलब metallic conductors conducting क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो charge carriers होते हैं, वो electrons होते हैं. जबकि electrolytic conductors में बेटे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं. और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से आयन होते हैं? केटायंस एंड एनायंस. तो बेसिकली मेटालिक कंडक्टर्स जहां मेटल कंडक्ट करनी है और मेटल की कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोलाइटिक कैरियर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जहां जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या है? आयंस, नेमली केटायन एंड एनायन. ठीक है, इसमें जो है जो एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल आता है मेटल्स का, जो गुड कंडक्टर, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. और यहाँ जो एग्जाम्पल आता है बेटा, वो एग्जाम्पल आता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, है ना. इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl, N2Cl2 एक्सेट्रा. इन सेल्स में, इन मेटेलिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, जो हिंड्रेंस आती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, that is due to the fixed metal kernels, है ना. इनमें जो resistance आता है वो क्यों आता है? क्योंकि metal kernels अपनी position में जो है वो fixed है. मैं आपको metallic bonding का बच्चों एक view दूँ, तो metallic bonding का view क्या होता है? metallic bonding को explain करने के लिए बच्चों एक model दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? electron C model. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में क्या जाता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेटल के, उन्होंने क्या बना दिया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल ने बना दिया है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बच्चों कहीं कहीं अमेरिकन है क्या? मेटल कर्नल्स. सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कहीं कहीं अमेरिकन है क्या? मेटल कर्नल्स. तो व्हाट आर मेटल कर्नल्स? मेटल कर्नल्स आर एटम माइनस वैलेंस शेल. तो बच्चों जब हम एक एटम में से उसकी वैलेंस शेल निकाल देते हैं, तो जो रिजल्टेंट एटम बचता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटल कर्नल्स. मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं. और इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग मेटल आयन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सी बना लेते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन का, और वहीं कहीं कहीं एम्बेड होती है क्या? फिक्स्ड मेटल कर्नल्स. दीज आर फिक्स्ड मेटल कर्नल्स. तो रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये रास्ते में आ रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर रही है? हिंडर कर रही है. तो इस वजह से मेटालिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होता है, दैट इज ड्यू टू फिक्स्ड मेटल कर्नल्स. जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होता है, दैट इज ड्यू टू
इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटायन बनाए हैं और कैटायन और एनायन में या आपने सोल्यूशन बना लिया है तो सोल्यूट सॉल्वेंट में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन की वजह से आयन्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। आयन्स फ्रीली नहीं मूव कर पाएंगे तो मतलब सिस्टम में क्या क्रिएट हो जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगा। तो बेटे एक बार दोबारा समझें, जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उनमें चार्ज कैरियर्स आयन्स होते हैं, कैटायन्स और एनायन्स की मूवमेंट की वजह से उनमें कंडक्टेंस आता है। और मेटालिक कंडक्टर्स का एग्जाम्पल तो ऑल मेटल्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का एग्जाम्पल है तो ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में बता चुकी हूँ, रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स। तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हिंडर कौन करता है, ये अपनी ही जगह पे एम्बेडेड मेटल कंडक्टर्स। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से है कि एक कैटायन ने दूसरे आयन को बड़ा स्ट्रॉन्गली बड़े अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से उसका जो फ्लो है वो हिंडर हो रहा है, आयन्स मूवमेंट हिंडर हो रही है, तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो अलग वजह से होता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना कि मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, किसका, मेटालिक कंडक्टर्स का। आपको पता है क्यों, बड़ी बड़ी मेटल करने अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्रिएट हो जाती है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन वीक हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन वीक हो जाने की वजह से जो फ्लो है आयन्स का वो मोर रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, वो इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में या कैटायन्स एंड आयन्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से जो वर्किंग कैपेसिटीज है या जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है सेल का, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो बेटा रेजिस्टेंस वाज हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले दो तरह के कंडक्टर्स के बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए था। आगे अगर हम रेजिस्टेंस की मैथमेटिक्स में जाएं तो क्या कर देख सकते हैं, वो
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मतलब इस तरह का सेल आपने इधर उसको बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ आपने distance between two electrodes of electrolytic cell. Electrolytic cell की जो दो electrodes हैं उनके बीच का जो distance है वो L है. And what is A बच्चों? A is area of cross section of electrodes. Which is in contact with the solution. ठीक है, this L is distance between the two electrodes and this is the area of cross section which is being made in contact with this electrode. बच्चों समझ में आ गया? ये मैटेरियल कंडक्टर्स के लिए बात होती है, लेकिन हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस का है तो हम जो भी बात करेंगे वो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे. अब इस सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो बेशक किसके बराबर होगा? रो एल बाय ए के बराबर होगा, लेकिन यहाँ एल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट वुड बी डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ए क्या हो जाएगा बच्चों? ए वुड बी कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स व्हिच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन. तो आर किसके बराबर होगा बेटा? आर बराबर हो गया रो एल बाय ए के बराबर हो गया, जहां एल और ए का मतलब मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया. ठीक है, अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस की, है ना, रेजिस्टेंस तो आपने डिफाइन कर लिया, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? This is resistance of a cell. So conductance of a cell V से represent करते हैं. Conductance of a cell बेटा कैसे बता सकते हैं? Conductance of a cell G is actually equal to 1 by R, है ना? So unit of conductance G would be ohm inverse. ओम इनवर्स को बेटा हम महो भी कहते हैं, या कुछ बुक्स में साइमंस भी कंडक्टेंस की यूनिट होती है एस, है ना? ओम इनवर्स या इस तरह से लिख सकते हैं ओम इनवर्स. तो जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस. तो अगर हम रेजिस्टेंस की बच्चों यहाँ वैल्यू प्लेस करें तो क्या होगी? जी इज इक्वल टू 1 बाय रो ए बाय, जी इज इक्वल टू 1 बाय रो ए बाय. अब 1 बाय रो एक कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट दे देते हैं कापा ए बाय एल, जी इज इक्वल टू कापा ए बाय एल, है ना? अब बताते हैं कापा क्या है. कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. A is kappa, it is specific conductance or conductivity of electrolytic cell. अब जरा ध्यान से देखना बेटा, A तो आपको पता ही है area of cross section है उस electrode का जो solution के contact में है, और L है distance between the two electrodes. अब हम kappa को define कैसे करेंगे? If A is 1 centimeter square and L is 1 centimeter, then G is equal to K. है ना? Do you agree? कि a 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और l 1 सेंटीमीटर हो तो g k के बराबर हो जाएगा. इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू. तो इसका मतलब l into a ये तो क्या बन जाता है? वॉल्यूम, है ना? और गिवन कंडीशन में ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो स्पेशल नोट बेटा, आप ये ध्यान दें कि आगे सारा डिस्कशन इसी चीज पे निकलेगा. स्पेसिफिक स्पेशल नोट क्या है कि जो कापा है दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज स्पेसिफिक कंडक्ट.
डिनोट किससे कर रहे हैं, कापा से कर रहे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रेजिस्टेंस और एलओए को समझाने के बाद हम कंडक्टेंस पे आए थे और हमने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कंडक्टेंस है वो बच्चों उसके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या रेसिप्रोकल ही है। यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया इसको तो 1/ρ को हमने क्या लिख दिया, कापा। और जैसे हर कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स को यूनिटी कर दिया, तब जो कंडक्टेंस की वैल्यू आई वो कापा के बराबर थी। और आपको पता है जब लेंथ भी ए वन है, एरिया ऑफ सेक्शन भी वन है, तो लेंथ इनटू एरिया इज वॉल्यूम, तो ये 1 cm³ हो गया। तो इसका मतलब 1 cm³ का या यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, वही उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेशल नोट क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा। अब बेटा आगे हमें डिस्कस करना है कि कापा, वैसे तो आपने कांस्टेंट कह दिया, लेकिन किन किन फैक्टर्स से कापा अफेक्ट हो सकता है और इसी कापा की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टेंसेस भी डिफाइंड होती हैं, वो सब बातें हम अभी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट फर्दर व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है बच्चों, यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है उसका जो कंडक्टेंस है उसे हम कापा कहते हैं। कापा इज, कापा डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब आप सबको पता है कि हमारा जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का मतलब है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो आपने कंसंट्रेशन लिया बेटा कापा उस पर डिपेंड करता है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा बच्चों, आयंस का नंबर उस वॉल्यूम में उतना ज्यादा होगा, आयंस का नंबर उस वॉल्यूम में जितना ज्यादा होगा उसका कापा भी उतना ज्यादा होगा। तो कापा इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ आयंस पर इन वॉल्यूम दैट इज कंसंट्रेशन, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम। तो नट सेल में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कापा है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन सेल। ड्यू टू दिस डिपेंडेंसी बेटा वी कैन डिफाइन टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंसेस या कुछ बुक्स में कंडक्टिविटीज भी कहा जाता है। ठीक है, दो तरह की कंडक्टेंसेस बता सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो बता सकते हैं मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, एक ही बात है बेटा, डिनोट करेंगे इसको लैम्डा एम से, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम, और एक हम डिनोट करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा, राइट। दो तरह की कंडक्टेंसेस हैं, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई। दोनों को कैसे डिफाइन किया जाता है या क्या मतलब है मोलर कंडक्टेंस का, क्या मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, हम ये सारी बातें बड़ी डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टेंस या लैम्डा एम। मोलर कंडक्टेंस को बच्चों हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखते हैं। सो बेटा मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच कंटेन्स वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो बच्चों व्हाट इज कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस किसी भी सेल का वो कंडक्टेंस है, उस वॉल्यूम का कंडक्टेंस है जिस वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट है, जिस वॉल्यूम में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है? तो व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस उस वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस है बेटा जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है। डिफाइन कैसे कर सकते हैं देखो बेटा, आप सबको पता है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है? हमें वो वॉल्यूम चाहिए जिसमें एक मोल प्रेजेंट हो, तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू 1 बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय C, है ना, कंसंट्रेशन। और आपको पता है मोल्स बाय वॉल्यूम ये है, तो ये हो जाएगा 1 बाय मोलर, ठीक है? इतनी बात हमने पहले करा। अब आप सबको पता है कि 1 यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस क्या होता है, 1 यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस बेटे ये देखो हम पढ़ते आए हैं, द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस क्या है, कापा। तो V यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, कापा इनटू V। और इसे ही आप क्या कह रहे हो ना, V यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इसे ही आप क्या कह रहे हो, मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों लैम्डा एन किसके बराबर हो गया, लैम्डा एन इज इक्वल टू कापा इनटू वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अभी वी आपने 1 बाय मोलरिटी कहा था, तो लैम्डा एन इज इक्वल टू कापा इनटू 1 बाय मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इज इट क्लियर? तो मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच कंटेन्स वन मोल इलेक्ट्रोलाइट। और वन मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो V इज इक्वल टू 1 बाय कंसंट्रेशन 1 बाय मोलरिटी। तो अगर यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कापा है, तो V यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा, कापा इनटू V। V को रिप्लेस किया आपने किससे, 1 बाय मोलरिटी से। हां जी बेटा, अगर हम यूनिट देखें लैम्डा एन का, तो बच्चों कापा का यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कहाँ से निकाला है, G इज इक्वल टू 1 बाय कापा A बाय L, है ना, ये टर्म हो गई सेंटीमीटर और ये टर्म हो गई ओम इनवर्स। तो जब हम कापा की बात करेंगे तो कापा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, राइट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है? अब हमने जब इसकी डायमेंशन बता दी कि इसकी डायमेंशन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, और मल्टीप्लिकेशन में बेटे इसके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन में इसके पास वॉल्यूम है और वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको पता है लैम्डा एन किसके बराबर होगी, लैम्डा एन की डायमेंशन हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लैम्डा मोलर की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास क्या था, मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस के बाद अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो बच्चों देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने कहा था मोलर कंडक्टेंस उस यूनिट का कंडक्टेंस है ना। अब यहाँ एक मोल है तो आप पर मोल भी ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम की डायमेंशन को जब आप मोलरिटी के टर्म्स में लिखते हो तो मोल पर मोल भी आ जाता है, लेकिन लैम्डा मोलर का मतलब ये है कि डिफाइंड किसके लिए है, वन मोल के लिए। दूसरा हम बात करते हैं बेटा किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वहां 1 मोल होना चाहिए था वी वॉल्यूम में, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए था। आप सबको पता है नॉर्मैलिटी किसके बराबर होती है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें वो वॉल्यूम चाहिए जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, तो यहाँ भी किसके बराबर हो गया 1 बाय बच्चों नॉर्मैलिटी, है ना। और आपको पता है कि वी यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, कैपा इनटू वी के, और इस वॉल्यूम में 1 ग्राम इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट है सब्सटेंस का, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 बाय नॉर्मैलिटी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपा बाय नॉर्मैलिटी। अब देखो कैपा बाय नॉर्मैलिटी हमने लिखा, तो अब जरा फिर से एक चीज ध्यान देना कि यहां पर आप कापा में डायमेंशन यूज करते हो ओम इनवर्स, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, आप ये डायमेंशन यूज करते हो, और डिनोमिनेटर में आप यूज करोगे ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब, ये वाली, है ना, लोगे। तो यहां से आपकी जो यूनिट आ गई वो आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर, जो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, ये पर लीटर है तो माइनस 3, ऊपर जाके +3, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये आपके पास डायमेंशन आ गई बेटा इसकी। अब मेरी बात सुने, ये डायमेंशन तभी वैलिड है जब आपकी जो नॉर्मेलिटी है उसमें वॉल्यूम किसमें हो, सेंटीमीटर क्यूब में। और आप सबको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 एमएम, जबकि नॉर्मेलिटी में तो आप वॉल्यूम किसमें लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरी ये बात, अगर आपने लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा बाय नॉर्मेलिटी लगाना है, और नॉर्मेलिटी में आप ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लेके चल रहे हो, और कापा की डायमेंशन में ये लीटर नहीं आ रहा, कापा की डायमेंशन में सेंटीमीटर स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, और लीटर इनवर्स का मतलब है जो डेसीमीटर क्यूब होता है ना, तो इसका मतलब डायमेंशन तो मैच कर ही नहीं रही है। डायमेंशन को मैच करने के लिए इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर आ जाता है इनटू 1000। तो समझ में आया, जब आपकी कापा के डायमेंशन में सेंटीमीटर स्क्वायर वाली टर्म आएगी और आप वॉल्यूम को लीटर में लेके चल रहे हैं नॉर्मेलिटी वगैरह में, तो आपको यहाँ 1000 लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कापा वाले डायमेंशन में डीएम स्क्वायर ही आ रहा है, तो आपको 1000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मेलिटी आएगा। लेकिन अगर आपकी इन टर्म्स में मीटर क्यूब आ रहा है ना, मीटर स्क्वायर आ रहा है यहाँ, तो यहाँ जब आप नॉर्मेलिटी लिखेंगे तो इस केस में आप नीचे 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है, तो सभी टर्म्स को मैच करना है। ध्यान दे, अगर कापा में सेंटीमीटर वाली टर्म है तो ये एक्सप्रेशन 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर कापा में डेसीमीटर्स वाली टर्म है तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर कापा में मीटर वाली टर्म्स है तो ये एक्सप्रेशन 1000 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सबसे कॉमनली यूज जो एक्सप्रेशन होता है बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट का, वो कौन सा होता है, कापा इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। सेम केसेस फॉर लैम्डा मोलर कंडक्टेंस आल्सो, कि जब आप न्यूमेरिकल करोगे इस चीजों के, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है जो डायमेंशंस हैं कापा की वो क्या दे रखी है। तो बेटा मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जिस वॉल्यूम में प्रेजेंट है उस वॉल्यूम का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उस वॉल्यूम का कंडक्टेंस जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो प्रेजेंट है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। और आप
है नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, यहां रिप्लेस कर दो, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना बेटा ये चीज क्या बन गई, तो ये लैम्डा मोल, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर है, लैम्डा मोलर बाय एन फैक्टर। अब बेटा अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूं, ध्यान से देखना इसके एग्जांपल, सपोज मुझे लैम्डा इक्विवेलेंट एन थ्री प्लस का दे रखा है 300 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ये दे रखा है मुझे, और मुझसे पूछ रखा है कि इसका मोलर कंडक्टेंस बताएं, ठीक है तो सबसे पहले रेशियो लगाओ लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर, है ना, लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा मोलर, तो लैम्डा मोलर होगी 300 और आपको पता है एन इसका एन फैक्टर कितना होता है 3, तो लैम्डा मोलर इसका हो जाएगा 900 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन रिलेट दिस थिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को Al2SO4 होल थ्राइस का लैम्डा मोलर दे रखा है बच्चों 250 है ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना ये दे रखा है, और मुझसे पूछ रखा है इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ, तो कंपाउंड्स का बेटा एन फैक्टर क्या होता है, आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, दो दो एल्यूमिनियम है टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 6, एन फैक्टर इज 6 एंड यू ऑल नो लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर इज लैम्डा मोलर, लैम्डा इक्विवेलेंट इज लैम्डा मोलर बाय एन फैक्टर, तो यहां जो एन फैक्टर आएगा बेटा वो क्या आएगा 6 एंड दिस वुड बी द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 होल थ्रेड्स। तो बेटा दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द कंडक्टेंसेस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजिंग any electrolyte using the relation lambda equivalent is equal to lambda n by n factor। बेटा हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, आज रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, फिर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा पे आ गए बच्चों, फिर कापा से हमने उसकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंस बताते हुए दो तरह की कंडक्टेंसेस की बात की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस डिफाइन किया, फॉर्मूला निकाले, और फाइनली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस में क्या निकाला, रिलेशन निकाला। अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब देखो बेटा जब आप डाइल्यूशन करते हो किसी चीज का, उसका मतलब है आप उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब आपने उसका कंसंट्रेशन बच्चों क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का बेटा सीधा मतलब है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ये वाला फैक्टर आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, रीजन आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो जब भी हम कहते हैं कि हमने किसी सेल का डाइल्यूशन किया है, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हमने उस सेल का वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब उसका कंसंट्रेशन कम किया है, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस का नंबर है वो कम हो गया। उससे साफ साफ पता लग रहा है, अगर कहा जाए कि मैं कहूँ कि ऐसा होने से कंडक्टेंस ऑफ सेल भी कम हो गया, दिस इज ट्रू ट्रू। तो अगर कहा जाए कि डाइल्यूशन बढ़ाने से सेल का कंडक्टेंस कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो क्या ऐसा कहना सही है, यस,
to say this is very, very apt. Lekin, this is not the fact with molar conductance, right? How dilution affects molar conductance? Dekho, what is molar conductance? Lambda m tha kya? Molar conductance kya tha? What was molar conductance? Molar conductance was conductance of that volume of solution which was having one molar equivalent. अब जैसे आपने बच्चों डाइल्यूशन बढ़ा दिया, डाइल्यूशन बढ़ाने से कापा कम हो गया, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गए और कापा चार्ज कैरियर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए कापा कम हो गया. लेकिन वी बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम नाउ हैविंग वन मोल इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये बढ़ गई. क्योंकि आप पहले एक मोल अगर 10 एमएल में पड़ा था, आपने पानी मिला दिया, तो अब 20 एमएल में सपोज एक मोल प्रेजेंट हो गया, तो मतलब वो वॉल्यूम बढ़ गया जिस वॉल्यूम में वन मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था. और आप सबको पता है लैम्डा मोलर किसके बराबर होता है? कापा इनटू वॉल्यूम. तो अब देखो हो क्या रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाने से चार्ज कैरियर्स का नंबर कम हो रहा है, कापा कम हो रहा है. लेकिन वो वॉल्यूम बढ़ रहा है जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो वॉल्यूम बढ़ रहा है. और वॉल्यूम का इंक्रीज इतना डोमिनेटिंग है कि लैम्डा मोलर आप क्या कहोगे, कि डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ती है लेकिन जनरल कंडक्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीज होती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से सुने बच्चों कि जब आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल दिया है ना, या सॉल्वेंट डाल दिया, डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, जिसकी वजह से कंडक्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीज हो गई. बट एट द सेम टाइम अब एक मोल जो प्रेजेंट है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो डाइल्यूशन बढ़ जाने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं, लेकिन वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा. सेम इज द फैक्ट विद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एज वेल. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी डाइल्यूशन बढ़ाने से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, बिकॉज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज अगेन कापा इनटू वॉल्यूम. डाइल्यूशन बढ़ाने से कापा कम होगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा. अब डाइल्यूशन न्यूमेरिकली किस तरह से अफेक्ट करता है, उसके लिए हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, डिबाय हकल इक्वेशन. इट मैथमेटिकली डील्स विद द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस. ये कहता है लैम्डा मोलर इज इक्वल टू लैम्डा मोलर नॉट माइनस डी यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो बच्चों, लैम्डा क्या? मोलर कंडक्टेंस. और ये क्या? लैम्डा नॉट. कुछ बुक्स लैम्डा एम इंफिनिटी भी लिखती है, लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इंफिनिटी. ये क्या होगा बच्चों? दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना. डिफाइन कैसे करते हैं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. पॉइंट डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, इतना डाल दिया वॉल्यूम इनफिनिटी टेंड करने लगते, तब जो कंडक्टेंस आया हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस आया, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. बी क्या है बच्चों? बी एक कांस्टेंट है जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है. और सी आपको पता है क्या है? सी इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट. अब जरा मैं एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ध्यान से देखना. इसी इक्वेशन की हेल्प से बच्चों ये देखें आप पहले, क्या आपको लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम कर्व सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन लैम्डा एम एंड रूट, राइट. व्हाट वुड बी द इंटरसेप्ट?
lambda naught would be the intercept. And slope would be constant, it would be minus b. तो कुछ इस तरह से आपके पास ये कर्व आएगा. और जब हम इसको यहाँ प्लॉट कर देंगे, ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, ये मिलेगी लैम्डा एंड नॉट. कहाँ पर? यहाँ पर, इस पॉइंट पर जहाँ सी क्या टेंड कर रहा है? जीरो. सी इसीलिए जीरो टेंड कर रहा है कि वॉल्यूम आपने क्या कर दिया? इनफाइनाइट. सपोज आपने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल के सोल्यूशन तैयार किया था, लेकिन आप पानी उसमें इतना 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 डालते जा रहे हैं कि ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गई तो कंसंट्रेशन क्या टेंड कर रही है? जीरो. और इतनी पुअर कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंसेस को मेजर करना आसान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं किसी डेफिनेट सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस नोट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और हमें पता है ये रिलेशन वैलिड है, तो इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं जीरो पर, और जो वैल्यू मिलती है हमें वो किसकी मिलती है? लैम्डा एम नॉट. ऐसा जो कर्व मिलता है बच्चों, वो किसके लिए मिलता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में कम्प्लीटली अपने आयंस फर्निश कर देते हैं, उनके लिए मिलता है. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मिलता है, जैसे KCl. तो मैंने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये चीज मिल रही है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो जाता है? जरा देखें, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ एक तो केस है ये इक्वेशन का कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट्स. दूसरी बात आप याद रखो फ्रॉम ऑस्वर्ड्स डाइल्यूशन लॉ. ऑस्वर्ड्स डाइल्यूशन लॉ से हमें क्या मिल रहा था? ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ से हमें मिल रहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा. ये बढ़ता है, ठीक है? कैसे बढ़ता है ये सब बातें आपने वहां पढ़ी हुई है. फ्रॉम ऑस्वर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, वॉल्यूम बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये बढ़ती है. तो यहाँ दो केसेस हो गए, लैम्डा एम बढ़ना चाहिए वॉल्यूम बढ़ाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, लेकिन अल्फा बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है? अल्फा बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना दो फैक्टर हो गए, है ना? वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ाने से लैम्डा अल्फा भी बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, जिसकी वजह से लैम्डा एम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना. दोनों फैक्टर्स, एक तो वो वॉल्यूम बढ़ रहा है जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, दूसरा वो इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ ज्यादा से ज्यादा आयंस फर्निश करने लग गया है, जिसकी वजह से लैम्डा एम बड़े तेजी से बढ़ता है. इतनी तेजी से बढ़ता है बच्चों, जब आप लैम्डा एम और रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ये स्लो बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो लाइन है वो एक्सिस के क्या हो जाती है? बिल्कुल पैरेलल हो जाती है. ऐसा कर्व किसके लिए आता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आता है. क्यों आता है? क्योंकि लैम्डा एम मोलर बहुत जल्दी बढ़ जाती है क्योंकि अल्फा बहुत ज्यादा हो जाती है. नाउ एज द कर्व इज पैरेलल टू द एक्सिस, सो वी कैन नॉट एक्स्ट्रा प्लॉट टू गेट लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. लैम्डा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस, कंडक्टेंसेस एट इनफाइनाइट डेंसिटी, उसको मेजर करना वैसे ही मुश्किल है क्योंकि लोअर कंडक्टेंसेस पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिल पाते जो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर कर पाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो हम लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करके उसके लिए वो वैल्यू निकाल लेते हैं. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लैम्डा एम मोलर के एकदम से बढ़ जाने से स्लोप बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो लाइन है कर्व है वो एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको जीरो तक एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर पाते. तो मतलब जब हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अब एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि अब हम ये नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि हम सिस्टम का जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए लिमिट
कंफ्लिक्टिंग मोलर कंडक्टेंसेस कैसे फाइंड करें। तो उसी के लिए अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक लॉ पढ़ेंगे दैट इज नोन एज कोलरोश लॉ, जिसका मेजर काम क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस को कैलकुलेट करके देना। सो बेटा दिस इज फॉर दिस लेक्चर एंड फर्दर जो है कोलरोश लॉ से हम आगे डिस्कस